यूपी सरकार ने पॉलिथीन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी पॉलिथीन के इस्तेमाल से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी के चलते बहराइच में नगर पालिका परिषद ने आज प्रतिबंधित पॉलिथीन, प्लास्टिक, थर्माकोल से बनी डिस्पोजेबल सामग्री के खिलाफ अभियान चलाया। नगर पालिका की सीमा में मौजूद दुकानों पर इस अभियान के तहत नगर पालिका की टीम ने कई प्रतिष्ठानों से काफी मात्रा में सामग्री जब्त की। इस अभियान में एसडीएम सदर कीर्ति प्रकाश भारती, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार और डीपीएम गौतम ने दुकानों पर चेकिंग कर भारी मात्रा में जुर्माना किया और प्रतिबंधित सामग्री जब्त की। एसडीएम सदर कीर्ति प्रकाश भारती ने बताया कि आगे भी प्रशासन इस प्रकार के अभियान चलाएगा और अगर किसी के पास इस प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री मिलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले स्तर पर मीटिंग में हम थे, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा सूचित किया गया, इनके कर्मचारियों के द्वारा जांच के दौरान पे बड़ी मात्रा में पॉलिथीन जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है वो पाई गई है। तो मौके पे हम भी यहाँ पे उपस्थित हुए और हमारी उपस्थित में इनके द्वारा यहाँ बड़ी मात्रा में जब्त की गई पॉलिथीन और आगे की जो इनके विभाग की कार्रवाई है उसके द्वारा इसको सुनिश्चित कराया जाएगा और आगे भी निरंतर मैं इनको निर्देशित करता रहूँगा कि बृहद तौर पर हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी ऐसी पॉलिथीन की बिक्री होती है, उसका स्टॉक रखा जाता है, उसकी चेकिंग निरंतर करते रहें। प्रतिबंधित होने के बावजूद कुछ दुकानदार आज भी धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करना अब उन्हें भारी पड़ सकता है क्योंकि जुर्माने के बाद ऐसे लोगों पर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। बहराइच से R9 TV के लिए महेश चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।